Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in today's live lecture of English 2, as you know, we had started chapter number 12, Kinds of Adverb. So let's get started with the video lecture. Okay student, first of all, we look at the rules of adverb, kinds of adverb. There are four kinds of adverb: adverb of manner, adverb of time, adverb of place, and adverb of frequency. Okay, so let's get started with the adverb of manner first. Read these sentences. He works carefully, she reads clearly, they prayed silently. Okay, the underlined words carefully and silently show how the working, reading and praying were done. Okay, jo aapko underlined word yahan pe dikhai de rahe hai na, usme bataya hai ki jo ये तीनों वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं कि हाउ द वर्किंग, ठीक है, ये यहाँ पे बोला है ही वर्क्स केयरफुली, तो वो काम कैसे कर रहा है, तो वो बहुत केयरफुली ध्यान से काम कर रहा है. हाउ द वर्किंग इज डन, हाउ द वर्किंग इज डन, इट इज डन बाय, इट इज डन, ही वर्क्स वेरी केयरफुली, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है. रीडिंग, तो शी रीड्स क्लियरली, ठीक है, वो रीडिंग, तो रीडिंग, हाउ इज रीडिंग इज डन, शी रीड्स क्लियरली, वो जो रीडिंग कर रही है बहुत क्लियरली, मतलब बिना रुके बहुत अच्छे से रीडिंग कर रही है, तो द रीडिंग इज डन क्लियरली. एंड प्रेइंग वे डन, ठीक है, प्रेइंग वे डन, दे प्रेड वेरी साइलेंटली, दे प्रेड साइलेंटली, तो वो जो प्रे कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, साइलेंटली कर रहे हैं. दे शो द मैनर, ये क्या दिखा रहे हैं आपको, मैनर दिखा रहे हैं. हाउ द वर्क इज डन, विच द थिंग्स आर डन, विच द थिंग्स आर डन, देयर फॉर दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, इसलिए इनको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा गया है. ये जो भी मैनर में बता रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, वो सब एक मैनर में हो रही है, सो इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर. दे आर यूजअली फॉर्म बाय एडिंग एल वाई, और इसको काफी बार हम कैसे इसको बनाते हैं, हम एल वाई करके, इसमें एल वाई एड करके, हम ये एडजेक्टिव, जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उसमें हम एल वाई एड करके उसको बनाते हैं. ओके, नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम, वॉट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, ही विल रीच द स्टेशन सून, वो कभी भी स्टेशन पे वो जल्दी ही स्टेशन पे पहुंच जाएगा. शी अराइव लेट, वो लेट होने वाली है, वो लेट आने वाली है. द अंडरलाइन वर्ड्स सून एंड लेट, जो अंडरलाइन वर्ड है सून और लेट, शो व्हेन एक्शंस ऑफ रीचिंग, वो क्या शो कर रहे हैं, वो एक्शन शो कर रहे हैं पहुंचने का और आने का, कोई भी जगह पे पहुंचने का और आने का, ठीक है, वो एक्शन शो कर रहे हैं. दे आंसर द क्वेश्चन, और वो किस तरीके से आंसर कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, व्हेन, ठीक है, तो वहां पे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है व्हेन, ठीक है, वहां पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है, व्हेन, तो उसको क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, और इसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, ही वॉज स्टैंडिंग देयर, वो वहां पे खड़ा है. कम हियर एंड टेक दिस बॉटल, यहाँ पे आओ और इस बॉटल को ले लो, यहाँ पे आओ इस बॉटल को ले लो, और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है आपको, इन दिस टू सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स देयर एंड हियर, ये जो अंडरलाइन वर्ड है आपका देयर एंड हियर, वेयर द एक्शंस ऑफ स्टैंडिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टैंडिंग का एक्शन आपको बताया जा रहा है, एंड कमिंग, किसका, स्टैंडिंग का, एंड कमिंग टेक प्लेस, ठीक है, आप पूछते हो ना वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे प्लेस बतानी है आपको कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आपको प्लेस में आंसर करना है, वेयर Do you live? ठीक है, आप कहाँ रहते हो, Where do you live? आप कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे भी आपको बताना है कि मैं इस जगह पे रहता हूँ. तो इन दिस सेंटेंस द प्लेस हैज टेक प्लेस, ठीक है, यहाँ पे प्लेस का यूज होगा, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस. दे आंसर द क्वेश्चन, और वो किस तरीके से आंसर करेंगे, जब आप उनसे क्वेश्चन करोगे वेयर, तब जाके वो आपको वेयर का ही आंसर करेंगे. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी है. रीड दिस सेंटेंस, गांधी जी नेवर टोल्ड लाई, गांधी जी ने कभी भी झूठ नहीं कहा. शी फ्रीक्वेंटली विजिट माय हाउस, वो कई बार मेरे घर पर आती है. आई समटाइम्स टेक टी, मैं कभी कभी चाय पीता हूँ. ही ऑफन टेल्स लाई, वो हमेशा झूठ बोलता है, वो काफी बार, कई बार झूठ बोलता है. द अंडरलाइन वर्ड्स नेवर, फ्रीक्वेंटली, समटाइम एंड ऑफन शो हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन डिस्क्राइब, इसमें क्या बता रहे हैं ये सारे वर्ड्स, कि जो एक्शन हुआ है वो कितनी बार हुआ है, वो कई बार हुआ है. बाय द वर्ब टेक प्लेस, और यहाँ पे किसने जगह ली है, वर्ब ने. सच वर्ड्स आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ऐसे वर्ब को हम, ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. नोट, दिस एडवर्ब्स कम बिफोर द वर्ब्स विच दे मॉडिफाई एंड नॉट आफ्टर देम एज वर्ड अदर एडवर्ब्स टू, ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ आपको मैं सेंटेंस बताने वाली हूँ उसमें क्या होता है, कभी कभी जो वर्ब, आपका जो वर्ब होता है इज एम आर, उसके बाद में हम एडवर्ब को यूज करते हैं, जैसे बाकी में वर्ब के पहले करते थे ना, पर इज एम आर में, इज
एम आर में हम क्या करेंगे, इज एम आर के बाद में हम एडवर्ब का यूज करेंगे. तो अगर आपको कोई ऐसे सेंटेंस पूछे जाए तो आपको इस तरीके से आंसर करना है. दे आर कैसे कैसे होने चाहिए, हाउ एवर यूज आफ्टर द वर्ब टू बी. टू बी मतलब वर्ब में जो भी आता है इज एम आर, उसके बाद में आपको करना है. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, ठीक है. और आपको उसके क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है, हाउ ऑफन कितनी बार, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स. एग्जाम्पल, ही इज नेवर लेट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल में लेट होता नहीं है. तो ही इज, तो इज है आपका वर्ब है, इसके बाद में वर्ब के बाद में हम एडवर्ब यूज करेंगे, ठीक है. ही इज नेवर लेट टू स्कूल. हर पेरेंट्स आर, तो यहाँ पे आर, यहाँ पे भी वर्ब का यूज किया गया, तो आर के बाद में हम हमारे एडवर्ब का यूज करेंगे. हर पेरेंट्स आर रियरली एंग्री विथ हर, उसके पेरेंट्स उसे मतलब बहुत कम उसे गुस्सा होते हैं, ठीक है. रेयरली कभी ही गुस्सा होते हैं, हमेशा गुस्सा होते नहीं है. ओके, सो लेट्स मूव और हम एक्सरसाइज करेंगे अब. ओके स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज वन में दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट एडवर्ब ऑफ मैनर. यहाँ पे आपको एडवर्ब ऑफ मैनर से फिलिंग द ब्लैंक करना है. द डल स्टूडेंट सॉल्व द सम करेक्टली, जो डल स्टूडेंट था उसने सम को सॉल्व कैसे किया, करेक्टली. उसमें मैनर आपको बताना है, तो उसने करेक्टली सॉल्व किया. शी सिंग स्वीटली, वो बहुत ही अच्छा गाना गाती, बहुत ही स्वीट गाना गा रही है. हिज अंकल अब्यूज्ड हिम सो ही लेफ्ट हिज हाउस, उसके अंकल ने उसको बहुत बैड वर्ड्स बोले और वो घर छोड़कर चुपचाप चला गया. क्वाइटली मतलब चुपचाप चला गया. एट नाइट द थीफ एंटर द हाउस साइलेंटली, रात को जो चोर है वो एकदम धीरे धीरे से एकदम साइलेंटली घर में घुस गया. द रैबिट वॉज लुकिंग अराउंड केयरफुली, और जो रैबिट है वो अपने आस पास में एकदम केयरफुली मतलब एकदम एकदम धीरे एकदम आराम से वो देख रहा है, सब जगह एकदम केयरफुल होके देख रहा है, ठीक है. आई डिसमिस्ड हिम, मैंने उसको आई डिसमिस्ड हिम बिकॉज ही ऑलवेज वर्क केयरलेसली, मैंने उसको निकाल दिया, मैंने उसको डिसमिस कर दिया, मैंने उसको जॉब से निकाल दिया, क्योंकि वो हमेशा अपना काम कैसे करता है, केयरलेसली बेपरवाह होके करता है, कोई भी सही से काम करता नहीं है. सेकेंड है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ पे आपको एडवर्ब ऑफ टाइम से बताना. आई नो हिम बिकॉज आई हैव सीन हिम वंस बिफोर, मैं उसको जानता हूँ क्योंकि मैंने उसको एक बार देखा है, मैंने उसको एक बार और देखा है. आई हैव सीन हिम वंस बिफोर, मैंने उसको एक बार देखा है. गेट रेडी द ट्रेन विल अराइव सून, जल्दी से तैयार हो जाओ, ट्रेन कभी भी आने वाली है. द ट्रेन विल अराइव सून. द फार्मर गॉट अप अर्ली, फार्मर जल्दी से उठ जाता था क्योंकि उसको खेत में जाना होता था. द फार्मर गॉट अप अर्ली एंड वेंट टू फील्ड, वो जल्दी से उठकर अपने खेत में जाता था. आई होप टू मीट हिम टुमारो, मुझे ऐसी आशा है कि मैं उससे कल मिल सकता हूँ. वेयर डिड ही गो, वो कहाँ चला गया. ही वॉज हियर एन आवर बिफोर, वो अभी एक घंटे पहले तो यहाँ था. ही वॉज हियर एन आवर बिफोर, वो एक घंटे पहले तो यहाँ था, कहाँ चला गया. ही फेल्ड वंस, वो एक बार फेल हो गया. सो ही विल ट्राई अगेन, तो उसने फिर से कोशिश की, उसने फिर से ट्राई किया. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, फिलिंग द ब्लैंक विद सूटेबल एडवर्ब ऑफ प्लेस, दे आंसर द क्वेश्चन वेयर, ठीक है. यहाँ पे आपको किस तरीके से आंसर करना है क्वेश्चन का, वेयर से, ठीक है. यहाँ पे आपको वेयर से क्वेश्चन से आंसर करना है. आई लॉस्ट माई पेन समवेयर, मैंने मेरी पेन कहीं पर खो दी है, मैंने मेरी पेन कहीं पर खो दी है. आई सर्च फॉर इट एवरीवेयर, मैंने उसको सब जगह ढूंढ लिया, मैंने उसको सब जगह ढूंढ लिया. बट आई फाउंड इट डाउन स्टेयर, और मैंने वो पेन नीचे ही पाई, वो नीचे ही पड़ी थी. डाउन स्टेयर मतलब नीचे ही पड़ी थी. डोंट वेट हियर, यहाँ पे इंतजार मत करो. डोंट वेट हियर, यहाँ पे इंतजार मत करो. कम हियर, यहाँ पे आओ. एंड हेल्प मी टू डू दिस लेसन, यहाँ पे आओ और मेरे को इस लेसन में थोड़ी सी हेल्प कर दो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सरसाइज फोर, यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शोन इन द ब्रैकेट इन द मोस्ट सूटेबल प्लेस एंड रीराइट द सेंटेंस. यहाँ पे आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करना है, और आपको जो ब्रैकेट में दिया उसमें से एक करेक्ट आपको निकाल के उसमें लिखना है, ठीक है. करेक्ट आपको उसमें अच्छे से उसको फिर से लिखना है, रीराइट मतलब फिर से लिखना है. He helps me in my lessons, ठीक है. वो मेरे lessons में मुझे कई बार help करता है. He sometimes, वो कई बार मुझे मेरे lessons में help करता है. I get angry without reason, मैं कोई भी reason बिना reason के गुस्सा होता नहीं. I never get angry without a reason, मैं कोई भी reason के बिना गुस्सा होता नहीं. मुझे कोई reason देते हो आप लोग, तभी मुझे गुस्सा आता है. He goes to see movies, He frequently goes to see movies. वो कई बार पिक्चर देखने के लिए जाता है. I see him these days in the school. Rarely. तो यहाँ पे आपको rarely वर्ड यूज करना है फ्रीक्वेंसी में. I rarely see him these days in the school. मैं
मैंने इन दिनों उसको बहुत ही कम बार देखा है स्कूल में, उसको काफी कम बार देखा है। वी से अवर प्रेयर्स बिफोर गोइंग टू बेड, वी ऑलवेज से, हम हमेशा हमारी प्रेयर्स बोलते हैं जब हम सोने जाते हैं, उसके पहले हम हमेशा हमारी प्रेयर करते हैं। अच्छा, ए गुड चाइल्ड डिसओबे हिज पेरेंट्स सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभी, कई बार, ठीक है, कभी कभी। अ गुड चाइल्ड सेल्डम डिसओबे हिज पेरेंट्स, जो एक अच्छा बच्चा होता है वो कभी कभी ही अपने पेरेंट्स की बात मानता नहीं है, कभी कभी ही अपनी पेरेंट्स की बात मानता नहीं है, वरना हमेशा वो मानता ही है। आई हियर दैट साउंड एट मिडनाइट, ठीक है, आई ऑफन, मैं कई बार रात को आवाज सुनता हूँ, मैं वो आवाज कई बार रात को सुनता हूँ। आई ऑफन, मैं कई बहुत बार वो आवाज सुनता हूँ। आई ऑफन हियर दैट साउंड एट मिडनाइट, मैं कई बार वो आवाज सुनता हूँ। शी कम्स टू माई हाउस टू बोरो बुक्स, शी समटाइम्स कम्स टू माई होम टू बोरो माई बुक्स, ठीक है, वो कई बार मेरे घर पे आती है मेरी बुक लेने के लिए। शी समटाइम्स कम्स टू माई हाउस टू बोरो बुक्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 12, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। आपको एक्सरसाइज 1 से लेके 4 तक आपको आपकी वर्कबुक में नोट डाउन करना है, और जो नोटबुक में आपको मैंने जो डेफिनेशंस और जो एग्जांपल्स करवाए हैं वो आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।